हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक नई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड को पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने एलिमिनेशन नहीं देखी है, वो मेथड देखने की बाकी है, तो ऊपर आई टैब पर आप लोग को मिल जाएगा। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ने वाले हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस, मतलब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले तो ये जो मेथड है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता था वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। अब हमें यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो यहां पर सबसे पहले इसके वेरिएबल लिख लो, x, y और यहां पर 1, बीच में इक्वल टू डाल दो। अब x लिया है तो a1 a2 नहीं लिखने का, क्या लिखने का, आपको लिखना पड़ेगा b1 b2 c1 c2। सिमिलरली y लिया है तो b1 b2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, c1 c2 a1 a2। 1 एक कांस्टेंट नंबर लिया है तो c1 c2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, a1 a2 b1 b2। आ रहा है समझ में? मींस आप लोग को जो वेरिएबल ले रहे हो या जो कांस्टेंट ले रहे हो वो पर्टिकुलर छोड़ के बाकी दोनों लिखने, और उसकी लिखने की ये पैटर्न याद रखना। ऐसा नहीं फिर b1 b2 आगे लिख दिया तो आपकी गलती हो सकती है। अब उसके बाद इसको क्रॉस करोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। ओके, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। सिर्फ आप ये फॉर्मेट याद रख लो, या तो फिर आपकी बुक के अंदर इसको ऐसा भी दिया है, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y a2 c1 माइनस c2 a1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो, और फिर क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसे करके दिया है। क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बीच में कंपलसरी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि हम लोग को आंसर लाना है तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा। इसको हम डिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं, वो आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी समझो कि भाई यहां सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक ये पूरा क्लियर है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, गया तेल लेने, कोई बात नहीं, गया कचरे के डब्बे में। हमको मीन ये याद रखना पड़ेगा, ये इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे ये याद रखना, ये फॉर्मेट याद होगा, आराम से आपका आंसर मैं लेके आऊंगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। ओके, फटाफट कॉपी डाउन करो, मैं इसके एक्सरसाइज का सम स्टार्ट करता हूं। ओके, तो अब हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोग ने जो फॉर्मूला था वो पार्ट कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है, फास्ट फॉरवर्ड मारा है, तो थोड़ा पीछे और रिवाइंड करके फॉर्मूला देख लो, ताकि आप लोग को ये सम समझ में आए। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये दो सम्स मैंने लिखे हुए हैं। आप सोचोगे सर इसको कम जगह दी, इसको बहुत ज्यादा जगह दे दी है, पार्शियलिटी क्यों? अरे भाई पार्शियलिटी नहीं की है, ये एक्चुअल में नो सॉल्यूशन है। आप हमेशा याद रखना कि कोई भी सम चालू करने से पहले आपको एक बार चेक करना जरूरी है कि उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है। अगर आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस जो फर्स्ट या सेकंड वीडियोस के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको समझाया है, जाके वो वीडियोस जरूर देखना। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो मैं आप लोग को ये जो चीजें है वो बताता हूं कि नो सॉल्यूशन कैसे है। देखो हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 1/3 इज इक्वल टू
माइनस माइनस और ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1/3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3, लेकिन ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3/2, बिकॉज ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस तो हुआ लेकिन ये 3/2 हुआ। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन में आता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, मींस इस पर्टिकुलर सम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है। क्लियर समझ में आ गया बच्चों क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं, कि अगर सम ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन। अब सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाले के अंदर देखो 2/3, 1/2, 5/8 सारे के सारे अलग है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलने में आता है। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा आप जाके पुराने वीडियोस देखो, अनलेस एंड अंटिल आप पुराने वीडियोस नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, इसकी कंडीशन थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है, बिकॉज एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये प्लस और ये प्लस है, साइड चेंज करो तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब आप लोग सोचोगे सर वो साइड नहीं रख सकते, नहीं बच्चों, हम लोग ने जब मैंने अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया उसके अंदर देखा था कि C1 और C2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे थे और राइट हैंड साइड पे क्या था, जीरो था, शायद नहीं लिखा हो तो वहां जीरो लिख देना, तो वो जीरो था। एक दूसरी साइड अगर आपने देखी थी तो एक जीरो था और बाकी सारे, तो आपको भी वही करना होगा, क्या करना होगा, 2x plus y minus 5 is equal to 0, 3x plus 2y minus 8 is equal to 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा -5। सिमिलरली A2 निकाल लो 3, B2 निकाल लो 2, C2 निकाल लो -8। इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद X क्या है, X है B1 B2 C1 C2, ये हम लोग ने पढ़ा था। फिर y क्या है, c1 c2 a1 a2 और फिर आता है 1 a1 a2 b1 b2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज रखो, तो x वैल्यू क्या आएगी, 1/2, साइन के साथ लेनी है, -5 और -8। उसके बाद y c1 c2 क्या है, -5 -8, a1 a2 क्या है, 2 3। उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद 1/2, ठीक है। अब क्या करोगे, अब करोगे इसका मल्टीप्लाई, जैसे कि इसको इसके साथ किया तो 8 1 8 दैट इज -8, बीच में तो हमारे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, और फिर यहां पर 5 2 10 -10। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखो मैंने जब फॉर्मूला लिखा था तो ये फॉर्मूला का एक माइनस आ रहा था, मैंने बोला था डिटरमिनेंट्स, तो वो माइनस यहां पर आया। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हुआ 5 2 10 प्लस इंटू माइनस माइनस। नेक्स्ट आता है y, इसको इसके साथ करो, 3 5 15 दैट इज -15। फिर फॉर्मूला का एक माइनस लेते हैं, इसको इसके साथ होगा, 3 2 16 अरे 8 2 16 और ये -16। हर एक में देखो फॉर्मूला पहले ही रहता है,
नेक्स्ट यहां पर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, -3 है ना, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और बीच में माइनस। ओके आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में, तो -8 + 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -15 + 16, और ये 4 - 3 क्या हो जाएगा 1/1, तो x इज x/2 y/1 और दैट इज 1/1। अब इसको कैसे करोगे भाई, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो देखो एकदम सिंपल चीज है, क्या है कि आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे और ये इसके साथ कंपैरिजन में जाएगा। अब ये कंपैरिजन क्या होता है, देखो बीच में इक्वल टू है इसका मतलब सब बराबर है, तो आप क्या करना है, जो लास्ट कांस्टेंट होगा उसको भी x के साथ कंपेयर करना है और जो ये लास्ट होगा उसको y के साथ भी करना है। तो अगेन दो पार्ट गिरा दो, x/2 इज इक्वल टू 1/1, y/1 इज इक्वल टू 1/1। डिवीजन में साइड चेंज करोगे मल्टीप्लाई, तो 2/1 है ना इधर जाएगा, तो साइड चेंज करोगे तो सो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x कितना आ गया 2 और y इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि 1 1 जा 1, तो y कितना आ गया 1। सो देखो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x का आंसर आ गया 2, y का आंसर आ गया 3। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरा सम समझ में आया है, लास्ट में सिर्फ इतना लिख देना कि देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1 मींस सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1। सो आपको ये पूरा सम क्लियर है और काफी बच्चे लोग को ये मेथड बहुत इजी लगती है। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करना, टीचिंग अच्छा लग रहा है फिर भी लाइक करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख कर मुझे बता सकते हो, या तो आपके स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू एक नंबर आ रहा था उस पर आप मुझे मैसेज करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। और चैनल के लिए नए हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाओ, बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।